पर ध्यान से सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। भगवान पे प्रेम कितना पक्का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति की सारी जिम्मेदारी भगवान की है, ये लिख लो, आज सोने के अक्षरों से लिख लो। कैसे? सुनो, विभीषण जी का नाम सुना है? विभीषण जी उस समय की बात है, पहले रथ से, आज भी विभीषण जी पृथ्वी पे हैं, ये याद रखें। एक श्री रंगनाथ जी के मंदिर में विभीषण जी आज भी ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व श्री रंगनाथ महाराज की सेवा करने आते हैं, और वहां पर उनके चढ़ाए हुए चंदन और पुष्प जब ब्रह्म मुहूर्त में पट खुलते हैं रंग जी के मंदिर में, वृंदावन वाले नहीं अलग, वहां उनके चढ़ाए हुए पुष्प का दर्शन आज भी होता है, चंदन भी मिलता है, तो वो आज भी आते हैं। पहले की बात थी तो वो रथ से आते थे, दिव्य रथ था उनके पास में, उस दिव्य रथ से वो आते थे। तो उस नगर में संयोग से एक दिन वो जा रहे थे श्री रंग जी का दर्शन करने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, जैसे एक टर्न होते ना नगर में, नगर जो नगर का प्रमुख रोड होता है, मार्ग होता है, राजमार्ग पहले उसको बोला करते जहाँ भगवान जी विराजते, तो ऐसे यूं कट किया उन्होंने, टर्न लिया, तो एक इनका टर्न लेना हुआ इनके रथ का, और सामने से उस कट पे ही एक निर्बल से ब्राह्मण निकले अचानक से, और रथ का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, रथ का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया और उनका प्राण निकल गया। और रथ वैसा तो होगा नहीं, रथ तो रथ ही था, अच्छा खासा रथ था, चढ़ गया, प्राण निकल गए। वहां ब्राह्मण और इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा, रे राम राम, ये तो बड़ा पापी है, इसने तो ब्राह्मण मार दिया, ब्रह्म हत्या कर दी। सबने विभीषण को घेर लिया ब्राह्मणों ने, और बड़ी जोर जोर से मारने लगे, पीटने लगे, हाथ में जो भी दंड थे उन दंडों से उनको पीटने लगे। अब पीट रहे हैं, उनके शरीर में कोई अंग भंग हो नहीं रहा था, शस्त्र लाए काटने के लिए, वो शस्त्र से कटे ना, क्यों नहीं कटे? क्योंकि भगवान ने उन्हें अभयदान दे रखा है, अमर कर रखे हैं। भगवान जब लंका में, लंका जीत के जा रहे थे, तो विभीषण से क्या कहा था, करहु कल्प भर राज तुम मोय सुमरेउ मन माए, पुन मम धाम सो आयउ जहां संत सब जाए। एक कल्प तक तुम राज्य करो और मेरा स्मरण मनी मन करते रहो, फिर तुम वहां मेरे पास आना जहां पे सभी संत आते हैं, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मेरे धाम में आ जाना। तो भगवान ने जब ये कहा है कि एक कल्प तक राज्य करो, पहने पहने हथियारों से लेके शस्त्रों से लेके उनको काट रहे थे ब्राह्मण कि तुमने ब्रह्म हत्या की है, पर उनका अंग भंग हो ही नहीं रहा था, क्योंकि भगवान का वाक्य था एक कल्प तक तो उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो कह गया, अरे ये तो माया भी है कोई, इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ब्राह्मणों ने उसे कालकोठरी में बंद कर दिया विभीषण को, भूखा प्यासा पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, मर जाएगा। विभीषण जी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे, मौन रहे, क्यों रहे? बोले, मैंने मेरे जानबूझ के नहीं पर अनजाने में सही, पर मेरे रथ से ब्राह्मण की हत्या हुई है, तो दंड मुझे मिलना चाहिए, जो सजा मिल जाए वही अच्छा, जो भगवान की कृपा। तो उन्होंने अपने आप के बचाव में कुछ नहीं किया। देखिए, आप लोग बात करेंगे ना तो माताराम, आप बात करेंगे ना तो ये इतनी बड़ी जगह नहीं कि आप दिखे ना मुझे, मुझे भी दिख रही है और उन्हें भी दिख रही है आप, प्लीज यहां आयो तो यहीं के बने रहो। कहां थे हम? तो विभीषण जी को लगा कि मेरे द्वारा ब्राह्मण हत्या हुई है, तो जितना फल मुझे मिल जाए उतना अच्छा। तो उन्हें बंदी बना लिया गया, काल कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया। नारद जी पहुंचे अयोध्या राम जी के पास, राम जी ने पूछा, कैसे हो, संसार का संदेश सुनाओ, कैसे है सब? बोले, संदेश सुन रहे हो सबका? विभीषण का संदेश सुन लो। बोले, हाँ हाँ, कैसा है हमारा भक्त? बोले, चकाचक कोठरी में बंद है, न खाने को मिल रहा है न पीने को। राम जी तो बड़े, क्या हुआ मेरे भक्त को, क्या हुआ मेरे भक्त को? तो नारद जी ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ, रथ के नीचे आ गए, एक ब्राह्मण मर गए और उनको ब्राह्मणों ने बड़ा कष्ट दिया,
भगवान श्री राम भूल गए कि ब्रह्महत्या हुई है मेरे भक्त से, ये भूल गए, अपराध याद नहीं रहा राम जी को, याद क्या रहा कि मेरा भक्त कष्ट पा रहा है। तुरंत भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को याद किया, तुरंत आओ मेरे पास। पुष्पक आया, भगवान उसमें सवार हुए और सवार होकर तुरंत भागे, पहुंचे वहां। नगरवासी ब्राह्मणों ने देखा भगवान श्री राम आए हैं, सब खड़े हो गए और खड़े होकर राम जी का स्वागत किया। बहुत अच्छा हो गया महाराज, आप आ गए, अब आप हमारा न्याय कर देंगे, क्योंकि आप तो बड़े बड़े लोगों का न्याय करते, आप तो धर्म सम्राट हैं, आपने तो कुत्ते का भी न्याय किया, आप कुत्ते की भी सुनते हैं। अब कहानी सुनिए ना कुत्ते की, भगवान श्री राम के पास चला जाता, एक संत ने डंडा मार दिया, फिर भगवान उसे पूरा, कुत्ते को भी आप न्याय देते, महाराज आइए कृपा करिए हमारा भी न्याय कीजिए, एक राक्षस को हमने पकड़ लिया है, पता नहीं महाराज कैसा आदमी है, तलवार से नहीं कट रहा है, डंडों से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, 7 दिन से भूखा प्यासा हमने काल कोठरी में बंद रखा है, मर ही नहीं रहा है, न्याय कीजिए आप हमारा। भगवान ने कहा पहले हमें दिखा तो दो कौन है। अरे महाराज आप ब्राह्मणों की नहीं सुन रहे हो, अरे भाई दिखा तो दो उसकी भी सुन ले। तो भगवान लेकर गए काल कोठरी में, भगवान श्री राम पहुंचे ब्राह्मणों के साथ, काल कोठरी खोली, भगवान स्वयं अंदर गए, विभीषण ने देखा भगवान आए हैं, विभीषण ने साष्टांग दंडवत की और भगवान के नैन सजल हो गए, मेरे रहते हुए मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा, उठाया उसको अपने गले से लगाया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप न्याय कीजिए, इनके द्वारा ब्राह्मण मारा गया, ब्रह्म हत्या हुई और आप इन्हें गले से लगा रहे हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस भक्त को आप छोड़ दो, महाराज इसने ब्रह्म हत्या की है और आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ब्राह्मणों को न्याय आपके यहां भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो, आप ब्राह्मणों को कौन, आप तो स्वयं ब्राह्मण हैं, परंतु इन्होंने ब्रह्म हत्या की है फिर भी मेरे भक्त हैं, मेरी शरणागति है, आप बताओ ब्रह्म हत्या का जो भी दंड है, भगवान के वाक्य सुनना, मानव हो तो तुम्हारा हृदय फट जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं जो भी ब्रह्म हत्या का पाप है, जो विभीषण को लगा है, वो मैं अपने सर लेता हूं, वो मैं अपने सर, वो पाप मेरा है। शरण में आए हुए व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो वो स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं अपराध मैं स्वीकार करता, पर इस भक्त को क्षमा कर। ये देखते ही सब ब्राह्मण रो उठे, सब ब्राह्मण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, देख करके हमारे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दीन बंधु हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या का जो जो प्रायश्चित ब्राह्मणों ने बताया, विभीषण की जगह भगवान श्री राम ने किया, वहां पर विभीषण ने नहीं, भगवान श्री राम ने किया। तो ऐसे दयालु की शरण में आने के बाद तुम चिंता क्यों करते हो, तुम युगल सरकार से प्रिया कांजू के शिष्य बन गए, उनकी शरणागति तुम्हारी हो गई, इसके बाद भी अगर तुम्हें चिंता है मतलब तुम्हारा समर्पण सच्चा नहीं। जिस दिन समर्पण हो जाए, हां जब तक तुम दुनिया पे भरोसा करोगे तब तक भी दुख पाओगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, कभी यहां भरोसा, कभी यहां भरोसा, कभी यहां भरोसा, 3 नावों में पांव है, कभी घर वाले देख लेंगे, कभी रिलेशन में आ जाएंगे वो हेल्प कर देंगे, और जब वो सब जगह से धक्का मार देते तब अब भगवान ने, हे प्रभु अब तो आप ही हो, उसमें भी 1-2 दिन की देरी हो जाए तो फिर भगवान पे विश्वास हो जाता है, हाँ या ना, जवाब दो। एक जगह गांठ मार के बैठ जाओ, यू आर माइन आई एम योर्स, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वे, अब तुम करो जो तुम्हें करना, I promise you, he will make you happy. Definitely he will make you happy. आपको खुश कर देगा।
क्या बोलना पड़ेगा?